नमस्ते, उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको ई श्रम कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। अगर आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का यूज करते हैं तो सीधे सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाइए और वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है ई श्रम। टाइप कर लेने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। आप इंटर पर जो है प्रेस करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपको पेज खुलेगा जिसमें कि ई श्रम होम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज खुलता है जिसमें यहाँ पर आपको रजिस्टर और इन ई श्रम दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मांगा जा रहा है वो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको आधार नंबर चाहिए, आधार लिंक्ड एक एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए और आपका एज 16 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसके बाद आप अगर राइट साइड में चलते हैं यहाँ पर आपको जो आपका आधार है उसके साथ जो एक मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है। फिलहाल वो मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर कैप्चा और इस दोनों में नोनों पर वैसे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह का पेज खुलता है। इसमें अब इंटर ओटीपी मांगा जा रहा है। आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पर एक ओटीपी पहुँचा है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी डाल देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आधार नंबर मांगा जा रहा है। जिस भी आधार नंबर से आप चाह रहे हैं कि आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए वो आधार नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करके फिर सबमिट कर देना है। आधार नंबर और आई एग्री पर क्लिक कर देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज खुलता है जिसमें कि एक पुनः फिर आपको ओटीपी मांगा जा रहा है। आपके जो नंबर दिए हुए हैं रजिस्टर्ड उस नंबर पर एक ओटीपी पहुँचता है जिससे आपका आधार नंबर लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और फिर वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी डाल देने के बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। वैलिडेट पर आप जो ही क्लिक करते हैं देखिए कुछ इस तरह का पेज खुलता है जिसमें कि आपका नेम, पूरा आधार कार्ड का जो भी है सारा कुछ आ जाता है। खुद बाय खुद नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस और लोकेलिटी, मतलब कि आपके आधार कार्ड में जितना भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था वो सारा इस पर आपको डिस्प्ले होने लगता है। आप एक बार चेक कर लें और उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक मोबाइल नंबर जो आपने शुरू में डाला था वो तो है ही, उसके बाद एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। ये इसमें देखिए रेड कलर जहाँ जहाँ भी रेड का एक स्पॉट बना हुआ है उसको आपको मैंडेटरी है फिल करना, तो आप इसको अगर नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ ईमेल में भी एक रेड स्पॉट नहीं भरा हुआ लगा हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं, नहीं भरिएगा फिर भी चलेगा। अब देखिए यहाँ दूसरे नंबर में मार्टियल स्टेटस बताया जा रहा है, तो मार्टियल स्टेटस मतलब हुआ कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं, तो इस पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो इसमें चार ऑप्शन आता है, नेवर मैरिड, मैरिड, विडो और डिवोर्स। नेवर मैरिड का मतलब है कि मतलब मैं कभी अभी शादी नहीं किया हूँ, इस पर आप क्लिक करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर क्लिक करें। अगर आप विधवा है महिला की तुलना में तो आप विडो पर क्लिक करें। और अगर आपको तलाक दिया हुआ है तो आप डिवोर्स पर क्लिक करें। तो फिलहाल मैं नेवर मैरिड पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे शादी नहीं हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आप रेड स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पर फादर नाम डालेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी दूसरे नंबर में डालना होता है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी वो कैटेगरी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप में भी कोई स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये भी आप नहीं चाहें तो ना डाल सकते हैं, हालांकि चाहें तो डाल भी सकते हैं बट नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप विकलांग हैं या कुछ भी हैं तो नो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो नॉमिनी डिटेल्स मांगा जा रहा है। नॉमिनी में आपको जैसे कि बैंक में अगर आप फॉर्म बैंक में आप अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको किसी भी कारण से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपके पैसे आपके नॉमिनी को दिया जाता है। इसी के लिए यहाँ भी एक नॉमिनी उसी टाइप से यहाँ भरना होता है। आप किसी को भी अपने रिश्तेदार, अपने ब्लड रिलेशन में जो भी आता है उसको आप यहाँ पर नॉमिनी में आप ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम लिखिए जिसको भी आप ऐड करवाना चाहते हैं। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसका जेंडर दीजिए, वो कौन कौन से जेंडर से ब्लेम करते हैं, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद रिलेशनशिप आपको देना है कि आप जिसका भी नाम डाले हैं वो कौन से रिलेशन में आपका लगता है। तो आप जो ही अगर मेल पर क्लिक करते हैं तो आपका ये खुल जाता है रिलेशनशिप वाला। अब देखिए रिलेशनशिप वाला खुल जाता है जब मेल में आप क्लिक करेंगे अपना नाम और नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ डाल के और जेंडर डाल के, तो आप जिसका भी नाम डालेंगे वो आपका पति है या बेटा है, अगर पति है तो हस्बैंड पर क्लिक करेंगे, बेटा है तो सन पर क्लिक करेंगे, पिता है तो फादर पे और दादा है, तो इस तरह से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल में आपको देखिए फिर आएगा कि आपका वाइफ है, अगर आप पुरुष हैं तो वाइफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डॉटर हैं कि मदर हैं, ग्रैंडफादर हैं,
मदर में माता के लिए, ग्रैंडफादर मदर मतलब दादी के लिए, इस तरह से आप सेलेक्ट करके उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। देखिए ये सारा कुछ आपको फिल कर देने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद अब आपका रेसिडेंटल डिटेल्स मांगा जाता है, मतलब कि आप कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में कुछ मांगा जा रहा है, जैसे कि होम स्टेट मांगा जा रहा है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इसमें सारा स्टेट का नाम दिया हुआ है उसको सिलेक्ट कर ले, मैं फिलहाल बिहार सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हाउस नंबर मांगा जा रहा है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, तो हाउस नंबर आपका एक आधार का ये आप वोटर लिस्ट में एक आपका हाउस नंबर रहता है वहाँ से आप पता करके यहाँ पर हाउस नंबर आप डाल देंगे, तो मैं फिलहाल 48 डाल दे रहा हूँ, 47। उसके बाद लोकेलिटी में कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है, फिर स्टेट वहाँ सिर्फ वैसे ही सिलेक्ट कर दे जैसे कि आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। उसके बाद उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड खुद सेलेक्ट हुआ रहता है क्योंकि आपके आधार नंबर से ये लिंक है तो पिन कोड सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे तो लिखा हुआ है स्टेइंग एट अ करेंट लोकेशन, मतलब आप जिस भी लोकेशन पर रह रहे हैं वहाँ आप कितने दिनों से रह रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताने के लिए बताया जा रहा है। अगर आप 10 से 15 से 20 साल से रह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी साल से मतलब कि गैप के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं 20-25 साल से लगभग यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं 20 से 25 पर क्लिक कर देता हूँ। माइग्रेंट वर्कर मतलब हुआ कि आप क्या कहीं दूसरे राज्य से में जाकर वर्क कर रहे हैं या अपने राज्य में ही वर्क कर रहे हैं, अगर दूसरे राज्य में कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर यस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आप रीजन ऑफ माइग्रेशन बताना पड़ रहा है कि आप माइग्रेट क्यों किए, किसके लिए माइग्रेट किए हुए, मतलब कि आप दूसरे राज्य में गए हैं तो क्या करने के लिए गए हैं, बिजनेस करने के लिए या शिक्षा देने के लिए या मैरिज या जो भी करने के लिए गए हुए हैं तो वो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप माइग्रेट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी भरना नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है कि आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का पेज खुलता है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, मतलब कि आप कितना पढ़े लिखे हैं इसके बारे में कुछ मांगा जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें जितना भी लिखा हुआ है कि आप अशिक्षित हैं, अगर नहीं कुछ पढ़े लिखे हुए हैं तो सबसे पहले वाले पर क्लिक करेंगे। अगर आप कुछ पढ़े हुए हैं तो मतलब गए हुए हैं 2-3 क्लास तक तो आप लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग देंगे। बिलो प्राइमरी, अगर 5-6 क्लास से नीचे पढ़े हुए हैं तो बिलो प्राइमरी देंगे, 8 क्लास तक पढ़े हुए हैं तो प्राइमरी देंगे। इस तरह से आप हाई स्कूल या ग्रेजुएट जो भी हैं इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर अशिक्षित हैं तो नॉट लिटरेट पर क्लिक करके अब आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट का एक फोटो लगाना होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद मंथली इनकम स्लैब बताया जा रहा है, यानी कि आपका जो मंथली इनकम है वो कितना रुपया है वो आप बताइए। तो अगर आप 10,000 से नीचे है तो 10,000 एंड बिलो पर क्लिक करेंगे, 10,000 से 15,000 के बीच में जिस भी बीच में है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो फिलहाल 10,000 से 15,000 के बीच में है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का कोई ऐसा स्टार लगा हुआ नहीं है तो ये आप नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप जो ही क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का अगला पेज खुलता है जिसमें ऑक्यूपेशन एंड स्किल मांगा जा रहा है। ऑक्यूपेशन एंड स्किल का मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एक से आप ज़्यादा काम भी जानते हैं या सिर्फ एक काम जानते हैं या उस काम में आप कितने दिन से एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो जैसे कि आप अगर बढ़ई हैं तो आपको यहाँ पर कारपेंटर लिख देना है इंग्लिश में, कारपेंटर अगर आप लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है कि आप कितने दिन से इसमें आप लगे हुए हैं, एक्सपीरियंस बताना होता है आपको कि आप कितने वर्षों से इसमें जुड़े हुए हैं, तो 5 लिख दीजिए फिलहाल। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आप इसके अलावा भी कुछ जानते हैं तो उसको आपको लिखना होता है, हालांकि स्टार नहीं लगा हुआ है तो इस पर आप नहीं भी डालेंगे तो फिर चलेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ भी स्टार नहीं लगा हुआ है, चलेगा। उसके बाद हाउ डू यू एक्वायर स्किल, इसमें मतलब ये बताया जा रहा है कि आपने जो ये स्किल लिया ये कैसे लिया, इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है आपको डालना। उसके बाद स्टिल टू बी अपग्रेडेड, इसमें भी कुछ ज़रूरी नहीं है डालना, इसको भी आपको छोड़ के फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप एक कोड का भी यूज कर सकते हैं, वो कोड आपको कहाँ से आएगा तो यहाँ राइट साइड में आप यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड डिटेल्स लिस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जो ही क्लिक करते हैं तो आपको वो कोड वाला एक ऑप्शन खुल जाता है, उसको खुल जाता है। उसके बाद इसमें आप देखिए कि अगर आप खेत की फसल या सब्जी उत्पादक हैं, कृषि हैं, तो आप इस कोड का यूज करेंगे 6-1-1 का। अगर आप पेड़ और झाड़ी फसल लगाते हैं तो 6-1-1-2 का, मतलब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आप देख लीजिए, जैसे कि वाहन क्लियरन है तो 9-1-2-2 का कोड आप उसमें डालेंगे। ये कोड डाल के यहाँ से आपको वो कोड लिख लेना है और उसके बाद पुनः आपको वहीं पर जाना है।
वो कोड डाल देने के बाद आपको ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपको एक्सपीरियंस डाल के उसके बाद कुछ डालना नहीं होता है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप जो ही क्लिक करते हैं अब एक नया पेज खुलता है, उसमें बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है, फिर वही बैंक अकाउंट नंबर आपको कन्फर्म करना है, उसके बाद अकाउंट का जो होल्डर का नेम होता है वो डालना है, उसके बाद IFSC कोड डालना है और बैंक नाम डालना है और ब्रांच नाम डाल के आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम डाल देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देखिए कुछ इस तरह का पेज खुलता है, उसके बाद आपको जो नेम डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, आपने जितना भी कुछ भरा हुआ था इससे पहले वो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप एक बार यहाँ ऊपर से नीचे चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पर टिक लगा दें और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका एक नया ई-श्रम कार्ड बनके तैयार हो जाता है जिसमें आपके नाम, आपके फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन लिखा हुआ रहता है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यही था कुछ साधारण सी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।